दोस्तों, अगर आपका भी लर्निंग लाइसेंस बने हुए 1 महीना हो गया है पूरा और अब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना सीखेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना सीखेंगे और फी पेमेंट करना सीखेंगे, यानी DL से रिलेटेड कम्प्लीट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर आपने अब तक लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख करके घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए गूगल पे आएंगे और सर्च बार में आके टाइप करेंगे parivahan.gov.in और सर्च कर देंगे। पहला लिंक आ जाएगा parivahan.gov.in का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही साइट कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पर आते ही यहाँ ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस देख लूंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला पेज इस तरीके से खोल के आ जाएगा। यहाँ सेकंड नंबर पर देख लूंगे अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही स्टेजेस आ जाएंगे आपके सामने, ये सभी स्टेज कंप्लीट करना है तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अगला पेज इस तरीके से खुल के आ जाएगा। 3 ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन वाले को सेलेक्ट करेंगे, होल्डिंग लर्नर लाइसेंस को, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना लर्नर लाइसेंस नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस का डिटेल आ जाएगा, लर्निंग लाइसेंस का नंबर यहाँ शो हो जाएगा, व्हीकल टाइप शो हो जाएगा यहाँ पर, और लर्निंग लाइसेंस इशू होने का डेट और लर्निंग लाइसेंस का एक्सपायरी डेट, और ठीक इसके नीचे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो सभी डिटेल शो हो जाएगा जो लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते समय फिल करे थे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको व्हीकल टाइप सेलेक्ट करना है। व्हीकल टाइप आप वही सेलेक्ट कर पाएंगे जो आपके लर्निंग लाइसेंस में सेलेक्टेड होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए ऊपर वाले सेलेक्ट वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, व्हीकल टाइप का लिस्ट शो हो जाएगा, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे और राइट वाले एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मोटरसाइकिल यहाँ पर ऐड हो चुका है, अब दूसरा ऐड करने के लिए दोबारा ऊपर वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बचा हुआ व्हीकल टाइप शो हो जाएगा, जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल है तो सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे और राइट वाले एरो पर क्लिक करेंगे, दूसरा भी ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऐड हो चुका है, लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल। सभी व्हीकल टाइप सेलेक्ट होने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका एड्रेस शो हो जाएगा, एड्रेस एक बार चेक कर लेंगे या ड्राइविंग लाइसेंस पर ये एड्रेस प्रिंट आएगा तो सही होगा, तो यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही अगेन एक और पॉप अप हो जाएगा जहाँ पर लिखा होगा कांग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपको एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। आप इसे चाहे तो नोट करके रख सकते हैं या इसे प्रिंट करने के लिए नीचे स्क्रोल करेंगे और प्रिंट एक्नोलेजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ PDF पर क्लिक करेंगे। जैसे ही PDF पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा आपके फाइल मैनेजर में, और इसके बाद बैक होके आ जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट बटन देख रहे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पर सेम इंटरफेस आ जाएगा ओपन होके, नीचे स्क्रॉल करेंगे सबसे नीचे और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का व्हीकल क्लास हो जाएगा, लर्निंग लाइसेंस नंबर हो जाएगा और फिल एप्लीकेशन डिटेल्स DL ये कम्प्लीट है, अपलोड डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट और DL का अपॉइंटमेंट बुक करना बाकी है। तो एक एक करके तीनों को कम्प्लीट करेंगे। सबसे पहले अपलोड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से पेज आ जाएगा, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे सबसे नीचे, यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे अगेन सेम पेज ओपन होगा, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पर और यहाँ डॉक्यूमेंट देख रहे होंगे, सेलेक्ट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट के नीचे। यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ और लर्निंग लाइसेंस अपलोड करना है, सबसे पहले एड्रेस प्रूफ को सेलेक्ट करेंगे और ठीक इसके नीचे देखेंगे प्रूफ्स लिखा हुआ है, इसके कॉलम पे क्लिक करेंगे प्रूफ्स वाले कॉलम पर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप एड्रेस प्रूफ में क्या क्या लगा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, LIC स्टेटमेंट और आधार कार्ड, आर्म लाइसेंस। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि आधार कार्ड इजीली सबके पास अवेलेबल है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल्स पे क्लिक करेंगे, फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट जिस फाइल में होगा उसे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करके ओपन करेंगे और इसके बाद डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाएगा अपलोड करने के लिए, अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे सबसे नीचे और यहाँ पर देखेंगे एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड अपलोड हो चुका है, यहाँ सेव्ड लिखा हुआ गया है,
थोड़ा सा नीचे ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ लर्नर लाइसेंस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ अगेन प्रूफ पर क्लिक करेंगे, प्रूफ पर क्लिक करने के बाद लर्नर लाइसेंस को सिलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर उस फाइल पर क्लिक करेंगे। लर्नर लाइसेंस अपलोड करने के लिए फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे और अपने फाइल में जहाँ भी अपने लर्नर लाइसेंस को रखा होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे अपलोड करने के लिए और यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड और लर्नर लाइसेंस दोनों से हो चुका है, यानी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ नेक्स्ट बटन देख लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा अगला। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे सबसे नीचे और यहाँ पर देखेंगे आप डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद फी पेमेंट करेंगे, तो फी पेमेंट करने के लिए फी पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के टोटल फी को देख सकते हैं। देख सकते हैं मोटरसाइकिल विद गियर के लिए नया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 200 रुपए लग रहा है और मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट के लिए 300 रुपए लग रहा है और लाइट मोटर व्हीकल का टेस्ट के लिए 300 रुपए लग रहा है और फॉर्म नंबर 7 का फी है 200 रुपए, तो टोटल हो गए 1000 रुपए। यहाँ पे 1000 रुपए देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, बैंक गेटवे पर क्लिक करेंगे और स्टेट बैंक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा देख करके फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे सबसे नीचे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन है SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो जिससे भी करना हो उसे क्लिक करेंगे। मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर और यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड डिटेल फिल करेंगे और ये कैप्चा फिल करेंगे और इसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। OTP यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद यहाँ से सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होते ही इस तरीके से पेज आ जाएगा, पेमेंट डन सक्सेसफुली और डेट टाइम दोनों लिखा हुआ आ जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद पेज को क्लोज कर देंगे और गूगल पे आएंगे और सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे सारथी परिवहन .gov.in और सर्च कर देंगे। यहाँ पे परिवहन .gov.in वाले को क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज ओपन किया जाएगा। यहाँ पर ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट पर। अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे स्लॉट बुकिंग, स्लॉट बुकिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेकंड नंबर पर देखेंगे DLT स्लॉट बुकिंग, इस सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर और लर्नर लाइसेंस नंबर, तो दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। जो भी सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर फिल करना पड़ेगा। मैं एप्लीकेशन नंबर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल कर लूंगा मैं और यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा, ये कैप्चा देख करके फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा, जो कि आपका ही फिल करा हुआ डिटेल होगा। सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर जो भी अपने व्हीकल सेलेक्ट किया होगा वो क्लास शो हो जाएगा। जैसे कि इस केस में 2 हो रहा है, मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल। आपको जिसको भी टेस्ट देना हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। इस तरीके से पेज आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे कुछ डिटेल्स हो जाएगा, कैलेंडर इंडिकेटर्स हो जाएगा और नीचे कैलेंडर्स हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप मंथ को स्वाइप कर सकते हैं और यहाँ पर जो ग्रीन कलर में डेट शो हो रहा है उसी पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और बाकी का जो ग्रे ब्लू और रेड कलर में शो होगा उस पे अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते। तो चलिए मुझे यहाँ पे 27 तारीख का अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो मैं 27 तारीख पर क्लिक कर ले रहा हूँ और क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, डेट सेलेक्ट करते यहाँ पर डेट शो हो जाएगा। यहाँ पे आप इसके बाद टाइमिंग सेलेक्ट करना है, तो टाइमिंग यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 10 से 12, 12:30 से 2:30 और 3 बजे से 5 बजे तक का। तो मैं यहाँ पर 12:30 से 2:30 बजे वाला टाइम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद बुक स्लॉट पर क्लिक करेंगे बुक करने के लिए। बुक स्लॉट पर क्लिक करने के बाद अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक सिक्योरिटी कोड आएगा 6 डिजिट का, वो यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे अगला पेज इस तरीके से आ जाएगा। आपका नाम, फादर नेम, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा और ठीक इसके नीचे यहाँ पर अपॉइंटमेंट का डेट और टाइम शो हो
जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगेन आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर, क्यूआर कोड और यूआईडी नंबर शो हो रहा होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पीडीएफ को प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे। एक डाउनलोड का पॉपअप शो हो जाएगा या डाउनलोड पर क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए। जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से शो हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट का डेट और टाइम शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा और यहाँ पर यूआईडी शो हो जाएगा और यहाँ पर व्हीकल क्लास हो जाएगा, देख सकते हैं। अब इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और एक लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी और एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने लर्निंग लाइसेंस में लगाए होंगे उसकी फोटोकॉपी ले लेंगे और दो फोटो। ये सभी डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ले करके जाना है अपनी अपॉइंटमेंट की डेट पर अपने आरटीओ ऑफिस, और साथ में आपको अपना व्हीकल भी लेके जाना है जिससे आप ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देंगे। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे देंगे और अगर आप पास हो जाएंगे तो 15 से 20 दिन में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन करके आपके घर पे आ जाएगा बाय पोस्ट, और अगर आप फेल हो जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस में तो आप 7 दिन के बाद दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करके आरटीओ ऑफिस जा करके दोबारा टेस्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम आप 3 अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर 3 बार से ज़्यादा फेल हो जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि इस तरीके वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड और भी वीडियो हैं, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, घर बैठे कैसे टेस्ट दें लर्निंग लाइसेंस का, तो आप देख करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।